हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर, बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर। चोरी संगीन अपराधों में से एक है, लेकिन कई बार जरूरतें इस कदर मजबूर कर देती है कि ना चाहते हुए भी इंसान इस कुकार्य के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसा ही एक मामला गणेशपुर थाना अंतर्गत सामने आया है, जिसमें गोदाम की कर्मचारी ने मां के इलाज के लिए चोरी की है। आइए देखते हैं विस्तार से। दरअसल मां के इलाज के लिए पैसों की जरूरत के चलते व्यापारी के पास काम करने वाले नौकर ने गोदाम से सामान चुराया। पुलिस ने मामले की शिकायत मिलने के बाद आरोपी को उसके दो अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। यह मामला गणेशपेट पुलिस थाना परिसर का है, जहां आरोपियों में विक्की प्रकाश गाटी बांधे उम्र 25 साल, मंगलवारी यशोधरा नगर निवासी राहुल श्रीराम वानखेड़े उम्र 31 साल, आदर्श नगर रानी दुर्गावती चौक पाचपौली निवासी और आकाश कृष्णा बानी उम्र 25 साल जयपोली नगर बिना की मंगलवारी यशोधरा नगर निवासी का समावेश है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी शंकर मिर्चंद भगवानी उम्र 52 बैरामजी टाउन गोंडवाना चौक सदन निवासी की आर एंड मशीन टूल्स नाम से सेंट्रल एवेन्यू दर्शन टावर के पास स्पेयर पार्ट्स की दुकान है। दुकान में जगह कम होने के चलते उन्होंने बजरिया चौक के पास नन्नूमल बिल्डिंग में गोडाउन दिया था, जहां उनके पास आरोपी विक्की गाटी बांधे नौकर के रूप में काम करता है। विक्की ने 18 मार्च 2024 से 2 अप्रैल 2024 के दरमियान गोदाम में रखे मिक्सर ग्राइंडर, ब्लेंडिंग मशीन, कटर ब्लेड सहित बड़ी मात्रा में सामान चोरी किया था। चोरी होने की बात का खुलासा होते ही फरियादी ने इसकी शिकायत पुलिस से की। जांच के दौरान ही गोदाम में लगे सीसीटीवी फुटेज में आरोपी विक्की चोरी का माल ले जाते हुए दिखाई दिया, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो उसने चोरी करने की बात कबूल की और चोरी के माल को अपने दूसरे साथी राहुल वानखेड़े और आकाश बावनी को बेचने की कबूली दी। इसके बाद उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि आरोपियों के पास से चोरी के करीब 1,35,800 रुपए के माल को भी पुलिस ने बरामद किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मां के इलाज के लिए पैसों की जरूरत के चलते ही वह गोदाम से इस माल को चोरी कर रहा था। इस मामले में आगे की जांच जारी है। इस गुनहे में हमने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और उसमें एक का नाम है जो गोडाउन में काम करके चोरी करता था, वो विक्की प्रकाश गाटी बांधे करके है। ये काल भैरव मंदिर यशोधरा नगर के पास रहता है। दूसरे जो आरोपी है उसमें एक राहुल वानखेड़े है जो दुर्गावती चौक पाचपौली में रहता है, और तीसरा जो आरोपी है वो आकाश बावने, वो यशोधरा नगर में ही रहने वाला है। और इसमें कंप्लेंट में जितना माल गया था उससे ज़्यादा उन्होंने चोरी किया था, उससे डबल हमने हिरासत उसको रिकवर किया है। तो इसमें तकरीबन 2 लाख के ऊपर से माल हमने रिकवर किया है आरोपी से। उसकी कुछ मजबूरी थी, उसके घर में कुछ उसको पैसा लगता था माँ के लिए, इसके लिए उसने वो चोरी की थी। इसमें हमने अभी तक जो तहकीकात की है, जिनको माल बेचा था उनको भी हमने अरेस्ट किया है। ये कल जब कंप्लेंट आई तब हमारे जो क्राइम पुलिस इंस्पेक्टर थे उनके मार्गदर्शन में हमारा डिटेक्शन का जो ऑफिसर है सब इंस्पेक्टर डोई फोड़े और पंकज हेड कांस्टेबल पंकज मानेकर, पंकज बोराटे और कांस्टेबल वैभव यादव और पवन मालखेड़े, इन लोगों ने ये कामगिरी की है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष डिमरी की रिपोर्ट।